जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फर्स्ट ऑफ़ ऑल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मोहम्मद मुदस्सर है और मैं पीएचडी कर रहा हूँ अंसू स्कॉलरशिप के थ्रू यूकेएस से, यूनिवर्सिटी ऑफ चाइनीज़ एकेडमी ऑफ साइंसेज से। और बहुत सारे दोस्त और स्टूडेंट्स पूछते हैं कि हम कैसे अंसू स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उसी सिलसिले में मैंने कुछ क्वेश्चन लिख के रखे हैं जिनको मैं एड्रेस करने की कोशिश करूँगा। पहला क्वेश्चन ये है कि अंसू स्कॉलरशिप बेसिकली है क्या। अंसू स्कॉलरशिप इज़ बेसिकली ऑफर्ड बाई अंसू। अंसू इज़ अलायंस ऑफ इंटरनेशनल साइंस ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि हर साल तकरीबन 300 पीएचडीज और 200 मास्टर्स स्टूडेंट्स को ये स्कॉलरशिप ऑफर करती है। और इसके अंडर दो मेजर यूनिवर्सिटीज़ हैं, यूएसटीसी और यूकेएस। यूएसटीसी इज़ यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी चाइना, और जो दूसरी यूनिवर्सिटी यूकेएस है, यूनिवर्सिटी ऑफ चाइनीज़ एकेडमी ऑफ साइंसेज। और इन दो यूनिवर्सिटीज़ के अंडर फर्दर काफ़ी सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, जस्ट लाइक यूकेएस के अंडर तकरीबन 100 प्लस रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, और इसी तरह यूएसटीसी के अंडर भी काफ़ी सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, और आप इन इन रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में से किसी में भी एडमिशन ले सकते हैं। और अंसू स्कॉलरशिप चाइना का हाईली पेड स्कॉलरशिप है, जिसमें मास्टर स्टूडेंट्स को तकरीबन 4000 आरएमबी पर मंथ मिलते हैं, और जबकि पीएचडी को तकरीबन 6 से 7 हज़ार आरएमबी पर मंथ मिलते हैं, जो कि पाकिस्तानी रुपयों में मास्टर्स का स्टाइपेंड तकरीबन 1,70,000 रुपये बनता है पर मंथ, और पीएचडी का तकरीबन 2.5 से 3 लाख रुपये पर मंथ बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अंसू स्कॉलरशिप में कौन कौन से फील्ड्स वाले अप्लाई कर सकते हैं। वैसे तो अंसू स्कॉलरशिप तकरीबन काफ़ी सारे फील्ड्स को कवर करता है, लेकिन इनका जो मेन फोकस है वो बेसिक साइंस है, जिसमें फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, और इनकी जो सब फील्ड्स हैं जस्ट लाइक माइक्रोबायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, इस तरह की फील्ड्स हैं। उसके अलावा इन्वायरमेंटल साइंस, उसके अलावा इंजीनियरिंग के अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस की फील्ड्स वाले अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए अप्लाई करते वक्त। उसमें सबसे पहले आपके पास एक अच्छी सी डिटेल्ड सीवी हो, आपके पास पासपोर्ट हो, आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हो, एक्सेप्टेंस लेटर हो। अगर आप यूकेएस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो एक्सेप्टेंस लेटर कंपलसरी है, जबकि अगर आप यूएसटीसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए कंपलसरी नहीं है, लेकिन ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट हो सकता है। उसके अलावा आपके पास रिसर्च प्रपोजल हो, आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर हो और पर्सनल स्टेटमेंट हो। एक और क्वेश्चन जो बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि क्या आयट्स ज़रूरी है अंसू स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए, तो इसका आंसर है बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर के साथ अप्लाई कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन ये है कि क्या अंसू स्कॉलरशिप में अप्लाई करने की एप्लीकेशन फ़ी है कि नहीं है। तो इसकी कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं है, लेकिन ये याद रखें कि आप एक ही यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं एक टाइम में, मतलब ये कि या आप यूएसटीसी में अप्लाई कर सकते हैं या यूकेएस में अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि आपने कब से प्रोफेसर्स को ईमेल स्टार्ट करनी है एक्सेप्टेंस लेटर के लिए, और किस तरह से सीवी बनानी है, सीवी में कौन कौन सी चीज़ें ऐड करनी है, बिकॉज सीवी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि एक्सेप्टेंस के लिए बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ये आपका फर्स्ट एक्सप्रेशन है प्रोफेसर के सामने, सुपरवाइज़र के सामने। सो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह ने के बाद।